अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश में बढ़ते महंगाई को लेकर भाजपा के केंद्रीय मंत्री का दावा है कि अभी भी महंगाई नियंत्रण में है। दरअसल आज अयोध्या पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए यह दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी आशीर्वाद यात्रा को लेकर अयोध्या पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने देश व प्रदेश में महंगाई को लेकर बड़ा दावा किया है कि पिछले 3 माह से महंगाई की दरें कम हो रही हैं। तो वहीं इस दौरान प्रदेश सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 2012 में अपने पिता के कारण मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2017 और 2019 में जनता ने उनको सबक सिखाया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल व गैस और अन्य चीज़ों की महंगाई को लेकर जनता के बीच प्रदेश सरकार के विरोध प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी लगातार घेरने का कार्य कर रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी चुनावी माहौल बनाने के लिए आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ किया है। विभिन्न लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए गुजरने वाली यह आशीर्वाद यात्रा सरकार के नीतियों और योजनाओं का बखान करती है। इसी के तहत आज आशीर्वाद यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा अयोध्या पहुंचे, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया, जिसके बाद इस यात्रा को लेकर रामलला के दरबार में भी हाजिरी लगाई और आशीर्वाद मांगा है। वहीं इस दौरान देश में कम हो रही महंगाई के दरों का आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि 13.66% जून में आंकड़ा रहा है, तो वहीं जुलाई में 12.4% पहुंचा और वर्तमान अगस्त में 11% तक पहुंच गया है। यह हम थोक महंगाई की बात है, लेकिन अगर फुटकर महंगाई की बात करें तो वह पिछले माह से घटोत्तरी हुई है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सभी लोग खड़े हुए हैं। लोगों का विश्वास हमारे प्रधानमंत्री जी ने जीता है, उम्मीदें बढ़ी हैं और लोगों को लगता है कि ये एक ऐसी सरकार आई है जिसमें जहां राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है, वहीं लोगों और विकास की चिंता भी। और अभी 2022 में हम चुनाव में भी जाने वाले हैं, लोग उसमें ये भी तुलना कर रहे हैं कि 2000 एक ये नया फीडबैक मिला है कि 2007 के बाद उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की ही सरकारें बनी। 7 से 12 तक बसपा की सरकार रही और 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसके बाद हमारी सरकार। तो लोग कहते हैं कि तीनों सरकारों की तुलना करो और उसमें हम उनसे बहुत आगे दिखते हैं। अखिलेश यादव जी के विषय में एक आम चर्चा सुनने को मिली कि 2012 में वो अपने पिताजी के कारण मुख्यमंत्री बन गए थे और 17 और 19 में दो चुनाव लड़े, एक कांग्रेस के साथ एक बसपा के साथ। दोनों में जनता ने उनको उनकी हैसियत बता दी, ये फीडबैक मिला। और हमको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें लेकर फिर से सरकार बना।